हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मीशो ज्वेलरी हॉल। आप सोचते हैं कि ये बार बार नीति ज्वेलरी ज्वेलरी ज्वेलरी, तो हाँ, मुझे ना ज्वेलरी बहुत पसंद है और इसे काफ़ी सारा कलेक्ट करना, जो भी नए नए डिज़ाइन के आते हैं मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं ज्वेलरी की काफ़ी ज़्यादा ही शॉपिंग करती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो मेरा फर्स्ट वाला जो ज्वेलरी है ना, वो कुछ इस टाइप का सेट है जो कि काफ़ी सुंदर है। ये ऑक्सीडाइज सेट है जिसमें आपको इयर रिंग्स एंड नेकलेस मिल जाते हैं, एंड ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है गाइज। आप देख सकते हैं ये कुछ इस टाइप के बॉक्स में आया है, जो कि बॉक्स में आता है तो मेरा ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बॉक्स में आने से क्या होता है ना, वो अच्छे से स्टोर हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का चोकर है, इसमें नीचे घुंघरू लगे हुए हैं, एंड ये इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है। आप देख सकते हो पीछे से भी कि कहीं भी चुभने वाला नहीं, इसकी फिनिशिंग काफ़ी सुंदर है, एंड ये चोकर भी ना बहुत सुंदर लगने वाला है। तो ये बहुत ही सुंदर है। उसमें आपको कुछ इस टाइप के इयर रिंग्स मिल जाते हैं, हूप्स इयर रिंग घुंघरू वाले, जो कि बहुत ही प्यारे हैं। तो ओवरऑल ये सेट मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत वर्सेटाइल सेट है। आप बहुत सारे आउटफिट के साथ इसे मैच कर सकते हैं, एंड आप चाहो तो सिर्फ इयररिंग को भी कभी कभी पेयर कर सकते हो, तो ये बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। ये पहनने के बाद भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, एंड गाइस इस बहुत लाइट वेट है, इयररिंग्स बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। इस टाइप से वो सिर्फ कार्टन में आए थे पैक होके, तो उसमें कोई बॉक्स नहीं आया है, तो वो कुछ इस टाइप का मैंने सिल्वर एडी नग में ये मंगवाया है चोकर सेट। ये भी बहुत ही सुंदर है, एंड इनकी फिनिशिंग भी आप देख सकते हैं, इसकी फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी है। ये बहुत ही सुंदर है, एंड ये भी बहुत अच्छा लगने वाला, कोई भी गाउन ये सब पे आप एक पतली सी चोकर पहन लो ना, एकदम परफेक्ट लगता है। इसमें इयररिंग आपको कुछ इतने छोटे छोटे से इयररिंग, जो कि बहुत ही क्यूट है एंड बहुत लाइट वेटेड है, एंड इनकी क्वालिटी भी गाइस बहुत अच्छी है। तो ये बहुत ही प्यारा पीस है, बहुत ही सुंदर एंड बहुत शाइनी पीस है, बहुत ही अच्छा है। एंड जो थर्ड मेरा इयररिंग है ना, वो इयररिंग एंड टीका सेट है, कुछ इस टाइप के हैं, जो कि एक कार्टन, बहुत ही सुंदर सेट है, बहुत ही अच्छी इसकी क्वालिटी है, बहुत प्यारी, और इसका टीका भी बहुत खूबसूरत है। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा दिख रहा है, एंड इनकी क्वालिटी गाइस अमेजिंग है, रियली अमेजिंग है। ये कुंदन में है, इसमें पर्ल वर्क किया हुआ है, तो ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। इसके इयररिंग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, ये थोड़े हैवी है इसके इयररिंग्स, बट डिज़ाइन इस टाइप का है कि आपका बहुत ही सुंदर ये लग रहा है। आप इसे अपने सारी लहंगा और आप अपने सूट के साथ भी इसे पेयर करके बहुत अच्छा लुक क्रिएट करने वाले हो, तो ये बहुत ही सुंदर है। आप इसे मैं हाईली हाईली रिकमेंड करूँगी, आप इसे ज़रूर ऐसा टाइप का एक पीस तो आपको लेना ही चाहिए, क्योंकि आपके ना बहुत सारे आउटफिट पे ईजिली चल जाते हैं। पहनने के बाद आप देख सकते हैं कितना सुंदर सा लुक आया है, एंड हाँ, इसके इयररिंग्स थोड़े लिटिल बिट हैवी है, बहुत सुंदर है। पीस है वो कुछ बेसिक सा, मैंने ऑक्सीडाइज गोल्डन इयररिंग्स मंगवाए हैं, जो जब कभी कुछ समझ नहीं आता है ना, जिस पे गोल्डन चलने वाला रहता है, उस टाइप में ना आप ये कैरी कर लो। ये आपके सब मोस्टली आउटफिट पे ना, जितने भी आपके एथनिक आउटफिट है, ये इजीली चल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छा पीस है। ये भी काफ़ी लाइट वेटेड है, तो ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे, ये भी बहुत सुंदर पीस है। ये इयररिंग देखने में तो खूबसूरत है ये, एंड इसका बेस्ट पार्ट है कि ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड है। देन जो मैंने इसके बाद मंगवाया है, वो मैंने कुछ इस टाइप से बैंगल्स ऑर्डर किए हैं। आप देख सकते हैं ये मैंने इसमें ग्रीन बैंगल्स मंगवाए हैं, है बेसिक मैंने ग्रीन मंगवाया है कि इसके आगे आप कोई कड़ा लगा लो, एंड बहुत अच्छा ये लुक आता है। और इस पे मेरा साइज है 26, एंड इसकी क्वालिटी भी गाइस बहुत अच्छी है, इसकी आपको इतने सस्ते नहीं होता। आप देख सकते हो बहुत ही प्यारे बैंगल्स हैं, बहुत ही सुंदर लगने वाले हैं। इस टाइप के बैंगल्स के साथ आप कोई भी आगे पीछे कड़े लगा लो या कुछ भी लगा लो, तो बहुत अच्छा सा सेट बन जाता है। आया है वो भी कुछ इस टाइप के बैंगल्स हैं, ये इस टाइप के बॉक्स में आया था, और ये मैंने कुंदन बैंगल्स मंगवाए हैं, जो आप किसी भी ना कोई भी बैंगल्स के साथ मैच करके आप काफ़ी अच्छा अपना सेट बना सकते हो। एंड इनकी क्वालिटी भी गाइस बहुत ही अच्छी है, इनकी क्वालिटी भी आप देख सकते हैं, ये भी बैंगल्स बहुत ही प्यारे हैं, इनकी कट देख सकते हो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं ये बैंगल्स, एंड इनकी क्वालिटी बहुत ही बहुत 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 अच्छी है। देन जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो कुछ इस टाइप के हैं एडी बैंगल्स, आप देख सकते हो ये बैंगल्स भी बहुत प्यारे हैं, आप इसे देखो,
इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है, इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है एंड ये पहनने के बाद भी बहुत सुंदर लग रहा है। आप देख सकते हो इसको, आप अपने चूड़ा के बीच में या कोई भी अपने बैंगल सेट के बीच में से ऐड कर लो, ये बहुत सुंदर लगा। और आप इसे बिना ऐड किए हुए भी आप सिंगल इसे पहन सकते हो, ये बहुत ही सुंदर लगने वाला है। उसके बाद जो लास्ट आइटम मेरा है वो है कुछ इस टाइप का, मैंने बन मंगवाया है क्योंकि मुझे एक ब्राइडल मेकअप लुक क्रिएट करना है, तो उसके लिए मैंने ये बन मंगवाया। और ये बन भी बहुत अच्छा है, इसको बस आप बन बना लो पीछे से, इसमें बस इसको फंसा लो एंड देन आपका बन पूरा परफेक्टली रेडी हो गया। तो ये भी काफ़ी अच्छे क्वालिटी का है, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो ये था आज का मेरा हॉल वीडियो। आपको अगर ये पसंद आया हो या आपके लिए ये हेल्पफुल हुआ हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा। और हाँ, इन सब के ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोड डाल दूंगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए हम तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।